बारिश होती है तो ऐसे ट्रैफिक जाम होता है गोलबंदर बॉर्डर। वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। एंड आज तो ऑफिस से निकला तब से कंटिन्यू बारिश हो रही है और अभी मैं आ गया हूँ नायगांव। रोड पे भी इतनी पानी भर गए थे ना, देखा आपने कि गाड़ी जब चल रही थी रिक्शा में पानी पूरा ऊपर आ रहे थे, मैं कैमरा चालू नहीं कर पा रहा था। देखो भाई साहब थोड़ा सा घास लेके आ रहे हैं बेचारे भीगते हुए। और भाई इतना घास लेके कहाँ जा रहे हो? अच्छा सब्जी है, कौन सी सब्जी है? अच्छा है, जंगली सब्जी है, पूरा जंगल एरिया है। वो भी सब्जी लेके आते हैं, जंगली सब्जी है ना, क्या नाम है इसका? कौला नाम है। ऐसा जब भी सब्जी जंगल में देखिए तोड़ लो खाने के लिए। हाँ अच्छा यार, मैं जंगल में बहुत जाता रहता हूँ, दिखेगा तो लेके आऊँगा खाने के लिए। यार एक और रास्ता था, मैं इस रास्ते से क्यों आया? अरे बहुत इधर भी है क्या? अरे इधर भी है क्या यार? व्हाट इज दिस? कीचड़ पानी सब, गलत रास्ते से आ गया यार। जल्दी के चक्कर में हालत हो गई मेरी, जाना है उधर मुझे। अभी लोग फिश पकड़ रहे हैं सामने के, और एक पकड़ा सा। ये आया इन्होंने पकाया। लकड़ी लेके जाते हुए खाना बनाने के लिए चूल्हे पे, बारिश में इतनी मुसीबत झेलना पड़ता है। बिजली का खड्डा क्या है? उधर से नहीं आऊंगा यार दोबारा कभी, इधर से आऊंगा, उधर से बेटर है। एकदम मस्त रोड है, चकाचक रोड है, एकदम मजा आएगा उधर से आने में। उधर ये देखो पानी से कीचड़, कीचड़ से पानी। जंगल में एक अंकल मिले मुझे जो कि यहाँ से फिश पकड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट किया हूँ नाव पर बैठा लिए। किसी की मेहनत को समझना तो उसको नज़दीक से देखो, क्योंकि नज़दीक से जानो। अभी इनको देखो, मैं इनके पास में बैठा हूँ, एहसास हो रहा है कि कितना मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना कैसे चला रहे हैं नाव को, और आप सोचो कंटिन्यू ना। खैर इनको तो आदत हो गई है, लेकिन आप सोचो, आप चला के देखो कभी तो पता चलेगा कितना मेहनत से काम है। तो आप देख रहे हैं आपको, एक वो देखो पानी में तैर रहा है ना, इसमें एक बर्ड है, मैंने देखा छुपी हुई है उसके अंदर। कमाल है ना, बर्ड अपना खा मतलब खोचा बना दिया उसने बच्चे को देने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि पानी पोस में आएगा तो कहीं और चला जाएगा। फिलहाल वो बर्ड इंजॉय कर रही है नाव की तरह। ब्यूटीफुल नज़ारा देखो, बादल है, वाइट सन है, ग्रीन ग्रीन ट्री है, पहाड़ है, और ये नदी है ब्यूटीफुल, और उसमें हम नाव में बैठे हुए। वाह, इससे अच्छा नज़ारा क्या हो सकता है भाई। चिड़िया होती है उनकी आवाज़ आ रही है, बहुत सुनने में बहुत मजा आ रहा है मुझे तो भाई, इसलिए मैं सुन रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, उनकी आवाज़ ही सुन रिकॉर्ड है। खूब आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं कौन से अलग अलग बर्ड्स के बहुत सारे आवाज़ आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन से बर्ड्स। उधर एक बैठा है ऊपर गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर बहुत बर्ड्स हैं।
दिखा आप लोगों को कोई बात? मुझे तो दिख रहे हैं, वो छोटे छोटे आपको नहीं दिखेंगे शायद। What a beautiful. Don't be a stranger. अच्छा रात को भी आओगे? हाँ, तो रात को इसी नाव चलाते हो? हाँ, लाइट उठ लेके आते हो क्या? हाँ, मतलब रात में आएंगे और रात के अंधेरे में जाल को, जाल कहाँ लगाते हैं? इधर ही ना। अच्छा उधर ही लगाया ना। गाइस, अगर आप फिश लवर हो तो दूर थाम के बैठो, अभी आपको अंकल फिश दिखाने वाले हैं। लगाया उन्होंने। अच्छा वो पंछी बगेरी बोलते हैं हम लोग, उड़ के जा रहा उधर, लाइट बच गया। अच्छा पेड़ सूखे हुए हैं, सूख गए हैं पेड़, पानी में रह के भी सूख गए हैं। वाह 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 वाह, व्हाट ए बर्ड यार, एक से एक बर्ड है भाई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ना आप अगर घूमने आओगे ना तो मज़ा आ जाएगा। कलरफुल हैं, रेड येलो पिंक, कई कलर के बर्ड मुझे दिख रहे हैं। पेड़ में छोटे छोटे समझ में नहीं आ रहा आपको, दिख नहीं रहा होगा लेकिन सिर्फ फ्लाई कर रहे हैं तो दिख रहे हैं। ज्यादा नहीं मिला, बहुत कम मिला, लेकिन है ठीक है। ज्यादा नहीं मिला क्योंकि वो बोले ना बारिश पानी आता है तो ही मिलता है, रात में मिलेगा। अभी फिलहाल रात में ज्यादा मछली है, एक बड़ी मछली है बस ये वाली, बाकी सब छोटी है। राबी छोड़ेगा? हाँ हाँ, अरे सर यार इतना घुमाया आपने, मैं तो ज्यादा घुमा दिया, मैं तो इतना सोचा नहीं था, मुझे लगा इधर से ही आ जाएंगे, जहाँ से आया था ना। अच्छा हाँ आ गए हम लोग, आ गए हम लोग, आ गए इधर, देखो यहीं से आया था ना, यहीं से आएगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फिर हम इधर से आते रहते हैं, जब भी मिलेंगे हाय बोल देंगे। चलिए हम चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स, चलिए बाय। थैंक यू, चलिए शुक्रिया सर, शुक्रिया वेरी मच, बाय बाय। व्हाट ए ब्यूटीफुल जर्नी, आई नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ। जिंदगी में ज़्यादा कुछ देखा नहीं हूँ क्योंकि लाइफ मेरी थोड़ी सी अजीब सी गुजरी है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं मेरे साथ जो कि मैं सोच भी नहीं पाता। और ये जो अभी एक्सपीरियंस किया इस समय, अभी तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है। चल रहा हूँ अभी घर की तरफ, भी वो पहाड़ भी मुझे क्रॉस करना है सामने, तब जाके घर पहुँचूंगा। शाम होने वाली है, इससे पहले मुझे जंगल पार करना है। चलिए आपको थोड़ा ऊपर तक दिखाता हूँ मैं जंगल में। चलते हैं फिर कभी घूमेंगे, क्योंकि अभी बहुत बड़ा है जंगल है, आपको घुमाने जाऊंगा तो टाइम जाएगा। और आप इतना अच्छा आनंद लेने के बाद नौका बिहार का, नहीं घूमेंगे, थक गए भी हैं। अय्या कैसे गए होंगे ऊपर इधर से यहाँ। हेलो सर, कैसे हैं आप लोग, घूम सकते हैं ना इधर? हाँ मैं तो इधर से आता जाता रहता हूँ, उधर मीरा रोड से चलते ही आता हूँ मैं। चलिए थैंक यू भाई, कभी आएंगे इधर ऊपर जाके घूमेंगे, अभी अभी थक गया, बहुत थक गया हूँ। चलिए बाय, अभी हम नीचे चलते हैं भाई, कभी और घुमाऊंगा मैं एक पहाड़ से, जंगल से कभी और रूबरू कराऊंगा। फिलहाल चलते हैं क्योंकि हम थक गए हैं, और थकने का मज़ा भी अलग है, थकने के बाद भी इंजॉय कर रहा हूँ। तो हम आओ ये बच गया, पहाड़ में मुझे गिराया आराम से, बच गया बच गया। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे तो बहुत मज़ा आया। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, अगले वीडियो में, खूबसूरत सफर पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और अपना ध्यान दीजिए और हमारे वीडियो देखते रहिए। कोशिश करिए कि लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि व्यूज बहुत कम होते हैं, इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ यार, व्यूज ही कम होता है। नहीं धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे। सनसेट होने वाला है, सूर्य अपने घर जा रहा है, मुझे भी अपने घर जाना है।